फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नेट। फ्रेंड्स आज हम कैंसर जो कि एक डिजीज है, रोग है, और लगभग हर साल इस रोग से 1 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्सपायर कर जाते हैं। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। आखिर में दोस्तों कैंसर होता क्या है, कैसे इसकी पहचान की जाए, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि कैंसर जो होता है, कैंसर हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में दो तरह के जीन होते हैं। एक होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, एक होता है प्रोटो ऑन्कोजीन और दूसरा होता है ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन को कभी कभी हम या इसी को हम सेलुलर ऑन्कोजीन बोलते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन आपका नॉर्मल सेल में पाया जाता है। लेकिन अगर किसी भी तरह से, किसी भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू, किसी भी कारण से अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन किसी भी एजेंट के थ्रू, कोई भी एजेंट अगर इस प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है, तब दिस कैंसर ऑन्कोजीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर और कैंसर। ये ट्यूमर या कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, ट्यूमर और कैंसर ज्यादा अंतर नहीं है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में, लेकिन नॉर्मल सेल से ही कैंसर सेल की उत्पत्ति होती है। नॉर्मल सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन और सेलुलर ऑन्कोजीन पाए जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन जैसे कि एक्सरे, गामा रे या यूवी रे अगर कोई डाल दिया और ये एक्टिव हो गए या कन्वर्ट हो गए किसमें, ऑन्कोजीन में, देन इट विल कॉज कैंसर और ट्यूमर। अब कैसे पहचान होगी, जैसे कि फ्रेंड्स नॉर्मल सेल में होता है तो नॉर्मल सेल कुछ मान लो सपोज डेट इस तरह से अरेंज हुए, सपोज डेट हमने बना दिया नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल बना दिया, नॉर्मल सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई सेल अपने साइज बढ़ाना चाहेगा तो अगर बगल वाला सेल उसको रोकेंगे, इसके साइज को बढ़ने नहीं देते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल की, जिसके कारण कि नॉर्मल सेल अपने साइज को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता है या अनवांटेड इंक्रीज नहीं कर सकता है, तो ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल में पाई जाती है। लेकिन कैंसर सेल में ये इस प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। आई मीन टू से कैंसरस सेल डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं कैंसर सेल, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। होगा क्या फिर, तो कैंसर सेल के अंदर प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, जिसके कारण कि अगर कोई कैंसर सेल ग्रो कर रहा है तो अपनी साइज बढ़ाता जाएगा। ये दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि कैंसर सेल आपको अपना साइज बढ़ाए और यहीं पर लोकलाइज रहे, तब उसको कहेंगे बिनाइन ट्यूमर, जो कि मान लीजिए कम हार्मफुल होता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है ये अपने साइज बढ़ाते तो है लेकिन कट के, ये यहां से कट के ब्लड के थ्रू कहीं दूसरी जगह जाएंगे और वहां पे दूसरा ट्यूमर काज करेंगे। ये जो ट्यूमर दूसरा काज होता है इसी को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो फ्रेंड्स ट्यूमर हमने देखा कि दो तरह के होते हैं, एक
ट्यूमर दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर में क्या होगा कि अनवांटेड इंक्रीज होती है और ट्यूमर बनता तो जरूर है लेकिन ये लोकलाइज होते हैं, ये लोकलाइज होते हैं बिनाइन ट्यूमर का लोकलाइज होते हैं और साथ ही साथ ये लेस हार्मफुल होते हैं। देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स तेजी से ग्रो करते हैं और डिसलॉज होकर के दूसरे साइड पे जाएंगे वहां पे ट्यूमर काज करेंगे, तो ये बहुत ही फियर्ड कंडीशन होती है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस दोस्तों मैलिग्नेंट ट्यूमर में पाया जाता है, इसको याद भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मेटास्टेसिस की कंडीशन जो है, मेटास्टेसिस मतलब ये होता है कि ट्यूमर एक जगह अपनी साइज बढ़ाएगा और वहां से कट करके किसी दूसरे जगह जाएगा ब्लड के थ्रू और वहां पर दूसरा ट्यूमर काज करेगा। इस तरह से ट्यूमर अपनी संख्या बढ़ाता चला जाता है और वही बहुत ही खतरनाक कंडीशन कहलाती है वो, डेट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस एंड मेटास्टेसिस इज रिपोर्टेड इन केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, बहुत खतरनाक। और कैंसर सेल्स बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं और साथ ही साथ जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर जाते हैं। कैंसर सेल्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के होते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है बॉडी का, ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिसके कारण से कि नॉर्मल सेल जो होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और धीरे धीरे ये नॉर्मल सेल्स भी डेड होना शुरू कर जाते हैं। तो कैंसर में आपका जो मेटास्टेसिस की कंडीशन है ये बहुत खतरनाक कंडीशन है, इट इज़ द फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। दोस्तों हमने ये जाना कि कैंसर फाइनली होता कैसे है, तो कैंसर हम जानते हैं कि हमारे सेल में नॉर्मल सेल जो बॉडी के हैं उसमें दो तरह के जीन्स पाए जाते हैं, सॉरी पोडो ऑंकोजेंस पाए जाते हैं। पोडो ऑंकोजेंस किसी कंडीशन में, एक्सटर्नल कंडीशन में, या अगर कोई रेडिएशन आप डाल दी, दैट इज अल्ट्रावायलेट एक्स रे गामा रे, तो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे फाइनली कन्वर्टेड इन सेलुलर, दे फाइनली कन्वर्टेड इनटू ऑंकोजेंस and oncogenes are mainly responsible for causing tumor and tumor further are classified into two types, it is a benign tumor and another one is malignant tumor. Benign tumor is less harmful because it is a localized tumor, but malignant tumor it is very harmful because it is not a localized tumor, it can cut from a particular site and reach to another distant site via blood and cause tumor there, and this is the most feared property of the cancer, it is called metastasis. फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ेंगे अभी कि कैंसर की डायग्नोसिस और कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस पढ़ने से पहले आगे थोड़ा जान जाते हैं कैंसिनोजेंस के बारे में। कैंसिनोजेंस एजेंट होते हैं जो कि नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कैंसर सेल में, ठीक है। वो एजेंट जो कि नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करता है कैंसर सेल में उसी को कहते हैं कैंसिनोजेन। ये एजेंट तीन तरह के हो सकते हैं, या तो फिजिकल, या तो केमिकल, या बायोलॉजिकल। फिजिकल एजेंट जो होता है ये डीएनए को डैमेज कर देता है और डीएनए को डैमेज करके दिस लीड्स टू न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो फिजिकल एजेंट में दोस्तों दो रेडिएशन आते हैं, एक आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, दूसरा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। आयनाइजिंग में एक्सरे और गामा रे और नॉन आयनाइजिंग में यूवी रे आते हैं। दीज आर द फिजिकल एजेंट्स दैट कॉज नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल। केमिकल एजेंट में दो आते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग न्यूक्लियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अनदर वन इज बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में वायरस आते हैं, कुछ वायरस भी होते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फाइनली दोस्तों हम पढ़ेंगे कैंसर का डिटेक्शन, कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोसिस, ठीक है। कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस के बारे में आते हैं, अब देखते हैं दोस्तों कैंसर का डिटेक्शन कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस। तो कैंसर का जो डिटेक्शन होता है ये आधार बनाता है, इनफैक्ट इसका जो डिटेक्शन होता है हम बायोप्सी से करते हैं या टिश्यू और फ्लूइड की हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से
कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, या बोन मैरो टेस्ट से भी कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। तो बोन मैरो टेस्ट मान लीजिए हम ल्यूकेमिया के केस में करते हैं, जिसमें कि इंक्रीज सेल काउंट होता है, तो उस केस में हम बोन मैरो टेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए तीन टेक्निक्स हमारे पास हैं जिससे कि हम कैंसर की डिटेक्शन कर सकते हैं। पहला बायोप्सी, दूसरा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू एंड अनदर वन इज बोन मैरो टेस्ट। बायोप्सी में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई टिश्यू हमको सस्पेक्ट है, बॉडी में कोई टिश्यू है, हमको यह संदेह है कि ये टिश्यू हो सकता है कि कैंसर काज कर सकता है, मतलब हमको शक है कि इस टिश्यू से कैंसर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस टिश्यू को काटेंगे, पतले पतले सेक्शन में काटते हैं, और काटने के बाद उस टिश्यू की रंगाई करते हैं, रंगते हैं, स्टेनिंग करते हैं उसको, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इस तरीके से बायोप्सी कहलाता है। बायोप्सी में क्या किया जाता है, जिस टिश्यू में के ऊपर हमको संदेह होता है कि वो कैंसर का टिश्यू हो सकता है या कैंसर कैच कर सकता है, तो उसको हम छोटे छोटे सेक्शंस में काटते हैं और उसको स्टेन करते हैं, मतलब रंगते हैं, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में उसको एग्जामिन करते हैं। अनदर वन इज कुछ टेक्निक्स और भी यूज होते हैं जो कि जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने में, जैसे रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में फ्रेंड्स हम मेनली एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, रेडियोग्राफी में मेनली हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। सीटी स्कैन के थ्रू भी हम इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और एमआरआई के थ्रू भी कर सकते हैं। सीटी स्कैन का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। मेनली इसमें भी हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन थ्रीडी में करते हैं। तो सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, याद रखना। तो तीन टेक्निक हमारे एनसाइट में दिया हुआ है इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। पहला रेडियोग्राफी, इसमें एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है, सीटी स्कैन में भी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एमआरआई, एमआरआई में क्या इस्तेमाल करते हैं, एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन बता चुके हैं। एक चीज और फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि टोबेको, इसमें एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है कि टोबेको को चबाने से कौन सा कैंसर होगा और टोबेको के स्मोकिंग से कौन सा कैंसर होगा। तो फ्रेंड्स टोबेको के च्यूइंग से माउथ कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है। वहीं पर आप टोबेको के च्यूइंग से, टोबेको आप चबा रहे हो, तंबाकू चबाते हो, तो उससे माउथ कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप टोबेको को स्मोक करते हो इन द फॉर्म सिगरेट, बीड़ी, व्हाट्सएवर, तो उससे लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरह से हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं। तीन टेक्निक है डायग्नोसिस के, तो रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई, इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के जो कॉमन अप्रोचेस मेनली हैं वो तीन है हमारे पास, एक है सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा है इम्यूनोथेरेपी। तो तीन तरह से हम कैंसर को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक सर्जरी से या काट का हटा दो, या एक दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा होता है इम्यूनोथेरेपी। मेनली रेडियोथेरेपी देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स पे हम रेडिएशन डालते हैं, लीथल रेडिएशन डालते हैं। लीथल का मतलब कि वो उस ट्यूमर सेल को खत्म कर देगा, लेकिन साथ ही साथ ये चीज का और भी ध्यान रखते हैं कि जो ट्यूमर सेल के बगल में सराउंडिंग टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू जो कि ट्यूमर सेल को घेरे हुए है, उस टिश्यू पर इस लीथल रेडिएशन का कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब ये लीथल रेडिएशन से इस नॉर्मल टिश्यू को हम बचाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इस नॉर्मल टिश्यू पर भी लीथल रेडिएशन डाल दिया गया तो ये भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इसलिए डेड भी हो सकते हैं या तो ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, कैंसर सेल में भी हो सकते हैं ट्रांसफॉर्म। इसलिए कोशिश हम करते हैं कि जो लीथल रेडिएशन है वो ट्यूमर सेल पर ही डायरेक्ट डाला जाए ताकि ये ट्यूमर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए। और साथ ही साथ कुछ कैंसर जो होते हैं उनको किल करने के लिए हम कीमोथेरेपी ड्रग का भी इस्तेमाल करते हैं। एक तो रेडियोथेरेपी से भी आप
कैंसर सेल को किल कर सकते हो। दूसरा, कीमोथेरेपिक ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस जो कीमोथेरेपिक ड्रग होती है, इसका साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे बालों का टूटना, बालों का झड़ना और एनीमिया जैसे साइड इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपिक ड्रग्स के। लेकिन मेजोरिटी ऑफ कैंसर जो ठीक किया जाता है, मेजोरिटी ऑफ कैंसर को ठीक करने के लिए हम लोग को बनाया RSC, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ कैंसर उनको ट्रीट करने के लिए हम रेडियोथेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ कैंसर को ठीक करने के लिए रेडियोथेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और जान जाइए, जो कैंसर सेल होते हैं या ट्यूमर सेल्स होते हैं, उन पर इम्यून सिस्टम का मतलब इम्यून सिस्टम कम वर्क कर पाता है। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम उनको ड्रग देते हैं। उसका नाम है, उसको हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर के नाम से जानते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, मतलब और थोड़ा अपलिफ्ट कर सकता है। वो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरफेरॉन। ये बूस्टअप करता है इम्यून सिस्टम को, जिससे इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर लेती है कैंसर सेल्स को और उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। तो ये बूस्ट करता है किसको? इम्यून सिस्टम को। क्योंकि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं डिटेक्शन एंड डिस्ट्रॉय बाय इम्यून सिस्टम। तो कैंसर सेल पर इम्यून सिस्टम का वर्क बहुत ही कम हो पाता है, इम्यून सिस्टम जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकती है कैंसर सेल्स को। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स देते हैं, जिसका कि बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? इंटरफेरॉन, जिससे कि इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो सकती है और हम कैंसर सेल से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ सकती है। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ा है था कैंसर के बारे में, और भी लेक्चर्स जानने के लिए, देखने के लिए, और जो बच्चे तैयारी करें नीट के लिए, हमारे YouTube चैनल पर लगातार बने रहिए। और हमारा गारंटी है कि आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी नीट 2019 में। आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी आप चाहते हो कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। तो अगले लेक्चर्स में ज़रूर वो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी।